आरएसएस वाले समझते हैं कि जेएनयू का समाप्त होना चाहिए क्योंकि ये सारे हरामखोर लोग हैं। दोस्तों आदावर जी, मैं निसमत खान हिंद वॉइस के आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी, वरिष्ठ वकील, समाज सेवी, हमारे साथ आते हैं चैनल के ऊपर, आपसे समस्याओं के बारे में बड़ी गहराई से बताते हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो एक हवा चली है, यानी हवा नीचे टॉर्नेटो चल रहा है कि चीन के खिलाफ, और कहीं नज़र तो आ नहीं रहा, लेकिन पब्लिक में जो अंधभक्त हैं वो चला रहे हैं कि चीन के खिलाफ है, कि चीन में जो है बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हमने ऐप बंद कर दिए, उसके तो शी जो हैं वो क्वारंटाइन में नहीं, उसमें चले गए। एक तो बड़ा हमें अजीब सा लगा कि उन्होंने कहा शी बंकर में और मोदी जी सीमा पे, इस तरीके से। हालांकि अगर आप देखें तो वो जो मोदी जी जगह है वो सीमा से 250 किलोमीटर दूर जगह है, वो बड़ी पिकनिक स्पॉट है, लेह की वो जगह बड़ी पिकनिक स्पॉट है, उसको अक्सर लोग जाते हैं। तो 250 किलोमीटर दूर से जाके उन्होंने चीन को धमका दिया, और शी बिल्कुल नहीं भूल रहा है। अब अखबार में जो खबर आती है, लेकिन वैसे जो खबर आती थी, टेंट भी बना ली उसने, पक्की टेंट भी बना ली, सब चीज़ें बना ली है। तो अब बात करते हैं कि चीन और हमारी भारत की इकोनॉमी, जिस तरीके से ऐप बंद कर रहे हैं, उस ऐप बंद करने से क्या फ़ायदा होगा हमें क्या फ़ायदा होगा, या चीन को क्या नुकसान होगा? हाँ, ये जो दूसरा सवाल है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहला इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें क्या फ़ायदा, वो तो भक्त लोग बताएंगे। हाँ, ऐसा है ना कि चीन ने, चीन के हमने 59 ऐप जो है बंद कर दिए। पहली बात तो ये है कि वो सारे ऐप जो है चीन के नहीं हैं, वो कोरिया के भी हैं, सिंगापुर के भी हैं और देशों के भी हैं। खैर, हमने एक बड़ी बहादुरी दिखाई जब ये ऐप बंद किए, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि भारत सरकार ने पहली बार इतना साहस दिखाया कि उन्होंने 59 ऐप बंद कर दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पोर्न साइट्स हैं या जो बच्चों के चाइल्ड पॉर्न की जो साइट हैं, उनको आप बैन करो। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम सक्षम नहीं है कि हम इन्हें बंद कर सकें, और आज भी वो पॉर्न साइट और चाइल्ड पॉर्न साइट चल रही हैं। लेकिन भारत सरकार ने 59 ऐप बंद कर दिए, इसका मतलब भारत सरकार चाहे तो पॉर्न साइट और चाइल्ड पॉर्न की साइट भी बंद कर सकती है, जरूरी है, जो करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब ये बात आती है कि हमने उनके 59 ऐप बंद कर दिए। अब 59 ऐप में क्या हुआ कि हमने उनके मोबाइल बिकने बंद नहीं किए। हम चीन के मोबाइल आज भी शोमी का ऐप हो, रेडमी का ऐप हो, वीवो का ऐप हो, ओप्पो का ऐप हो, वो चल रहे, वो सारे मोबाइल बिक रहे हैं जी। और दूसरी तरफ हमारे जो मेक इन इंडिया के जो ऐप थे या मोबाइल थे, वो हमारे सारे बंद हैं, जिन्हें मिल्क कहते थे हम जी, कि माइक्रोमैक्स का था, इंटेक्स का था, लावा का था जी जी, ठीक है ना, कार्बन का था, सब बंद हो गए, वो सारे बंद हो गए। और वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि हमारी सरकार ने चीन के मोबाइलों के असेंबल होकर हिंदुस्तान में बिकने के लिए जो मेक इन इंडिया में सुविधाएं हिंदुस्तान की कंपनियों से छीनकर चीन की कंपनियों को दी, तो उनके मोबाइलों ने हमारे मोबाइलों को ख़त्म कर दिया। और आज जो है हमारे यहाँ 72% जो हमारी मोबाइल का कारोबार है, उसमें चीन के मोबाइलों का योगदान है। अब ऐसी हालत में ये होता है कि चीन और अमरीका का भी आपने देखा होगा, पिछले 5 साल पहले झगड़ा हुआ, चीन ने गूगल्स को बैन कर दिया, बड़ा झगड़ा चला, उसे अमेरिका ने कहा भी तूने क्यों बैन कर दिया, चीन ने जो है व्हाट्सएप बैन कर दिया, चीन ने जो है विकिपीडिया को बैन कर दिया, चीन ने जो है लिंकडइन थी साइट उसको बंद कर दिया। तो उसको बंद करने के साथ साथ चीन ने उन साइटों को बनाया, आप देखेंगे कि उसने गूगल की जगह जो है बाइडू एक अपनी साइट बना दी, व्हाट्सएप को बंद किया तो वीचैट बना दिया, विकिपीडिया को बंद किया तो रेनरेन बना दिया, और लिंकडइन को बंद किया तो माई माई करके एक उन्होंने अपना इक्वल उतने ही यानी स्टोरेज कैपेसिटी का पूरी साइटें बना ली। तो जब आप किसी को कहते हैं कि भाई आपको रोटी नहीं खानी, तो रोटी खानी नहीं ये एक फैसला नहीं है, आपको तय करना पड़ेगा इसका अल्टरनेटिव क्या है, कि रोटी नहीं खानी तो चावल खाएगा या क्या खाएगा, या रोटी खानी है तो भाई ये वाली रोटी नहीं खानी, मान लो काकेदा होटल का नहीं खानी तो भापेदा खा ले, तो कोई तो खाएगा आदमी। लेकिन हमारी सरकार जो है इस ओर इसका ध्यान नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें अपने आप डेवलप करें। कल मोदी जी ने, मैंने अखबार में जो पढ़ा कि कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को ऐप डेवलप करना चाहिए, लोगों को हाँ। और हम जो है जो अच्छा ऐप डेवलप करेगा उसे 20 लाख रुपए देंगे। आप जानते हैं ऐप का बिजनेस क्या है,
अगर आप ऐप एक छोटा सा बना ले तो गूगल जो है आपको पता चलेगा 250 करोड़ रुपए देके खरीदेगा, कहाँ 250 करोड़ कहाँ 20 लाख रुपए। तो ये बात कहना सरकार को कहना चाहिए था, अपनी जो हमारी जो पूरी सिस्टम है हमने जो हिंदुस्तान में डेवलप किया हुआ है कि भाई हमारे साइंटिस्ट बनाएंगे, लोग नहीं बना सकते, लोग तो जो है वो चीज़ बनाएंगे, लोगों की जो दृष्टि होती है बड़ी छोटी होती है, वो हंसी मजाक का बना लेंगे। हाँ, बनना शुरू बनते रहते हैं, लेकिन जो सीरियस है साइंस और टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और सरकार को उसके लिए एक टीम बनानी चाहिए कि 500,000 ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये काम करेंगे, उनका एक फंड एलोकेट होना चाहिए और उनको एक टाइम बाउंड शेड्यूल में चीज़ बनाने के लिए बताना चाहिए। लेकिन वो ना करके आप कह देंगे लोग बना लेंगे, तो ये तो ऐसे कि सरकार कह दी लोग अपने आप खाना खा लेंगे, लोग अपने आप पानी पी लेंगे। तो सरकार अपने जो नज़रिए से नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। आप देखिए कि गूगल है, गूगल में ज़्यादातर एम्प्लॉय इंडियंस हैं, पिछाई को देख लीजिए भारत के ही हैं वो, अब वो रहने लगे वहाँ पर सारा कुछ उनका है। मेरी बेटी गूगल में थी, तब ट्रेनिंग में गई थी तो वो ये बताती कहती थी कि डैडी यहाँ तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम अमेरिका में बैठ के गूगल के ऑफिस में काम कर रहे, सारे इंडियंस हैं, सिर्फ हम लोग अंग्रेजी में जैसे वहाँ बात करते थे यहाँ बात करते थे, खाना पीना सब अपना ऐसे ही होली तक मनाई जाती है जी। तो वो भारतीयों को जो ब्रेन ड्रेन की एक चीज़ चली है जो यहाँ से निकल के चली जाती है, तो उनको रोकने का उपाय सरकार को करना चाहिए। वैसे मालूम है कि हमारे ही आदमी वहाँ गूगल को चला रहे हैं, तो अपने यहाँ क्यों नहीं रोकते, वो दावे इतने बड़े बड़े करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ हो जाएगी ज़रा मजा आएगी जो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि हो सकता है कि गूगल इसके ऐप बाबा रामदेव बना दें। हाँ, बाबा रामदेव बना सकते हैं, वो फर्जी वाला करने में हमेशा आगे रहते हैं। आपने देखा कोरोना की दवाई कोई नहीं बना पाया, उन्होंने बना दी, बड़ा टेस्ट किया उन्होंने मार्केट, उन्होंने लॉन्च भी कर दी और ये भी क्लेम कर दिया, बेच भी दी, बेच भी दी और अब भी बिक रही है, और अभी भी बिक रही है और शब्द मुकरने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बाबा रामदेव बनाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ पहले हिंदुस्तान में भी मेड इन यूएसए चीज़ें बड़ी मिलती थी कि मेड इन यूएसए लिखा होता था, तो मेड इन एक होता था मेड इन यूएसए, एक होता था मेड बाई यूएसए, तो मेड बाई यूएसए का मतलब था और लास नगर सिंधी एसोसिएशन मुंबई की, मुंबई में तो वो फर्जी बनाते थे, लिखते थे हमने बनाई है, तो वो होती थी मेड बाई यूएसए। तो अगर उस तरह की बात करेंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है साइंस टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है वो आप नकल करके नहीं बना सकते, नकल तो जब करेंगे जब असल चीज़ सामने आएगी, असल बनाने के लिए आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है आप देखेंगे कि हमारी जो 500 यूनिवर्सिटी है या हमारे जो IITs हैं, हमारी जो वो हैं, जब दुनिया की निकलती है कि भाई 500 बेस्ट यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है वो JNU, कभी कभी एक IIT का नाम आ जाता है, कभी एक IIM का आ जाता है, यानी कि जो चीज़ें वर्ल्ड क्लास की हमारी होनी चाहिए वो हमने नहीं रखी। और JNU का क्या मतलब है, JNU का आज सबसे बड़े दुश्मन कौन है, RSS वाले, RSS वाले समझते हैं कि JNU का समाप्त होना चाहिए क्योंकि ये सारे हरामखोर लोग हैं, ये कहते हैं ये हरामखोर लोग हैं और ये लोग जो है सरकारी पैसे पे कुछ नहीं करते, अच्छी करते हैं और ये जो है हर तरह की सुविधा उठाते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि JNU में ही हिंदुस्तान का ब्रेन है और हिंदुस्तान के जितने IAS IPS होते हैं अगर उनकी परसेंटेज निकाले जाए तो 40% JNU के निकलते हैं, JNU के निकलते हैं, आपके मिनिस्टर JNU से। तो इनके मन में क्या है, हीन ग्रंथि है। हीन ग्रंथि का मतलब क्या है कि या तो आप किसी का मुकाबला दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हो सकता है कि आप स्वस्थ प्रतियोगिता करें और एक अस्वस्थ प्रतियोगिता कर सकते हैं। तो मुझे एक बात याद आती है कि एक आदमी जो है बम्बई के जुहू पर बैठा था, तो उसके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो एक आदमी आया उसने उसे छेड़ दिया उसकी गर्लफ्रेंड को, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, अपने दोस्त को कहा दिया आज ऐसा ऐसा हुआ मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो उसने तू लड़ा क्यों नहीं, कहता मैं लड़ा इसलिए नहीं क्योंकि उसका वजन था 60 किलो, मेरा वजन है 45 किलो, वो साला मुझे पीट देगा। तो उसने फिर तू क्या करेगा, कहता मैं रोज़ जो है जिम जाऊँगा। जिम जाके उसने किया, 2 महीने बाद फिर आया, उसने दोस्त से पूछा क्या हुआ, कहता कल फिर वो मिला था, फिर उसे मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा। तो उसने कहा तूने उसे पीटा, कहता नहीं अब वो 80 किलो का हो गया था, तो मैं 60 किलो का, फिर मुझे लगा है पीट देगा, कहता अगली बार नहीं छोड़ूंगा। फिर वो गया उसने जो है गया उसे प्रोटीन वोटीन खाया, खूब अपनी कसरत की, और कसरत करने के बाद जब दोबारा 2 महीने बाद गया, फिर उस आदमी ने आके उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया। तो अपने दोस्त को कहा कि मैं इसको आज फिर ये वही आदमी हुआ वही हरकत हुई, तो उसके दोस्त ने कहा अब तो तू 100 किलो का सांड हो गया, अब तो तूने उसको ठोका होगा, कहता नहीं वो 125 किलो का हो गया। तो अगर आप जो है इस हीन ग्रंथि से किसी काम को करेंगे तो आप दुनिया में सफल नहीं हो सकते,
फिर तो आपको यही रहेगा सिला कि भाई मेरे साथ जो है ये नाइंसाफी कुदरत कर रही है, कुदरत कर रही है, जैसे कि यहाँ पे कर दी थी। तो ये नहीं मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि मोदी जी ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया कि इतने इतने लाख रुपए मिलेंगे नौजवानों, लग जाओ इस काम में, स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, यहाँ की पढ़ाई देखिए ब्रेन ड्रेन यहाँ पे आज भी हो रहा है, अब H1B वीजा के बंद होने की वजह से यहाँ पे बड़ी अफरा तफरी की, लोग रो रहे हैं, लिटरली लोग परेशान हो रहे हैं। और बेहतरीन हमारा दिमाग वो फॉरेन में आता है कि नोबेल प्राइज लेके आते हैं, अभी आई है जो नोबेल प्राइज हमारे यहाँ, तो उनकी भी ऐसे यानी परे पीछे पड़े हुए हैं, वो भी JNU से निकले हुए हैं दोनों के, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं कि देशद्रोही है, ये है वो है, इनकी भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो यानी मतलब देश में क्या नैरेटिव चल रहा है जरा इसको तो बताइए। देखिए ऐसा है, मैं चीन की बात करता हूँ। मैं एक बार चीन गया तो वहाँ पर मैंने एक अजीब बात देखी, सुबह सुबह जो है कूड़ा उठाने की गाड़ी आती थी और उस पर एक माइक लगा होता था, और उस माइक पे क्या होता था, एक ही डायलॉग बार बार चल रहा है, लर्न इंग्लिश लर्न इंग्लिश लर्न इंग्लिश लर्न इंग्लिश। तो वो एक तरह से जैसे मैं जब टॉयलेट में गया तभी मेरे दिमाग में घूमता रहा लर्न इंग्लिश, मैं नहा रहा हूँ तब भी लर्न इंग्लिश। तो चीन ने अपने लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के ये बात भर दी उस शहर के लोगों में कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है। अंग्रेजी क्यों सीखनी है, क्योंकि अगर आपको अमेरिकन से व्यापार करना है, यूरोप से व्यापार करना है, दुनिया से व्यापार करना है, तो उनकी भाषा सीख के तभी आप उनकी बात कर पाओगे। अगर आपको उनकी जासूसी करनी है तब भी आपको उनकी अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर आपको उनकी कुछ किताबें चुरा के लानी है पढ़ोगे तब भी अंग्रेजी चाहिए। तो चीन ने एक पूरी फौज खड़ी कर दी कि लोगों ने इंग्लिश सीखी और व्यापार में वो चीनी जो है चीनी भाषा में बात नहीं करते, वो अमेरिकन से जाके अमेरिकन में बात करेंगे। तो ये एक सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एक प्रेरणा दी। हमारी सरकार प्रेरणा नहीं देती, हमारी यह सरकार जो है अगर आप पढ़ोगे तो लोग कहेंगे पढ़ के तू क्या कर लेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई बेटे को चाय पिला देंगे, चाय बिकवाना शुरू कर देंगे, पकौड़े चाय पकौड़े की, तो हम कहते हैं भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, कह रहे हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। तो लोगों का जो सोच है, जो पावर का फाउंटेन हेड है जहाँ से पावर शुरू होती है जैसे फुवारे की वो निकलती है, अगर वो गलत हो जाए तो आप समझेंगे पूरे देश का आंवा बिगड़ जाता है। और हमारे लोग जो हैं, हमारे लोगों का सोच, हमारी सरकार का सोच, हमारे समाज का सोच, हमारे राजनीतिक नेताओं का सोच जो है, आप मैं आपको कहता हूँ पत्रकार हैं आप, 100 नेताओं के पास चले आओ, कभी आप उनसे जो है साइंस की बात नहीं सुनेंगे, टेक्नोलॉजी की बात नहीं सुनेंगे, कभी उनसे पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं सुनेंगे, कभी किसी वैज्ञानिक की बात नहीं सुनेंगे, सबकी बातें क्या होंगी, शराब कौन सी अच्छी आती है, एक एक घंटा डिस्कशन करेंगे कि ब्लैक लेवल अच्छी है ब्लू लेवल अच्छी है, या और कोई दूसरी बात करेंगे कि फलानी जो है हॉट फिल्म आई है XXX फिल्म आई है ये उसकी बात करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो पूछेंगे पत्रकार से और क्या चल रहा है, बस उन्हें खुद पता नहीं कि क्या चल रहा है राजनीति में आजकल चल क्या रहा है। तो नेता वो होता है जो वक्त से पहले की बात पहले सोचे कि 50 साल बाद क्या होना है, आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो स्ट्रेटजी नाम की चीज़ नहीं है, और स्ट्रेटजी इसलिए नहीं है क्योंकि सबको पता है कि सफलता का पैमाना जो है स्ट्रेटजी नहीं है। हिंदुस्तान में सफलता का पैमाना एक है, टिकट मिले तो पैसे देके खरीद लो, चुनाव लड़ना है तो पैसे देके चुनाव जीत जाओ, और जब पैसे मिलने की नौबत आए तो पैसे लेके अपनी पार्टी छोड़ के जाए। देखिए रविंद्र जी के आज के पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल से लेके आपकी मौलाना आज़ाद तक, इन लोगों ने जो स्ट्रेटजी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है सारी चीज़ें, तो आज भी वही चीज़ चल रही है, हमने आगे नहीं बनाया, यहाँ चला कि गुरुकुल बनाएंगे हम और वैदिक शिक्षा देंगे, चलिए तो होना चाहिए वैदिक, लेकिन वैदिक शिक्षा भी नहीं हो रही है कहीं। वैदिक शिक्षा ऐसा है, हमने पुराण पढ़ लिए, पुराण में वैदिक शिक्षा का हम देखते हैं कि राजा रवि वर्मा ने बना दिया कि एक झोपड़ी है, एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ है और वो जो है दो लड़कियां खड़ी हैं, एक उनका शिष्य खड़ा है और ये गुरुकुल है। गुरुकुल की शिक्षा देने का जो तरीका है, नज़रिया है, आपको बच्चे को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उसका विकास करना है, कैसे उसकी संभावनाओं को बढ़ाना है, ये सारी शिक्षा का मतलब ये होता है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक आदमी को आप जो है भविष्य से लड़ने के लिए जैसे सेना को तैयार करते हैं वैसे करते हैं। आप किसी भी आदमी से पूछो गुरुकुल क्या होता है, अगर गुरुकुल में मैं उल्टी बात कहता हूँ, किस प्रधानमंत्री ने, किस MP ने, किस मिनिस्टर ने, किस मुख्यमंत्री ने अपने किसी बच्चे को गुरुकुल में भेजा है? तो जब नहीं भेजा तो वो कहाँ भेजेगा? कैम्ब्रिज भेजेगा, हार्वर्ड भेजेगा, ऑक्सफोर्ड भेजेगा। हिंदुस्तान में वो कहेगा जी अपने बच्चे को मेयो स्कूल में पढ़ाऊंगा, देहरादून के स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो अब अपने बच्चे को जब आप वहीं नहीं भेज रहे तो लोग तो राजा को फॉलो करते हैं, लोग जो है नेता को फॉलो करते हैं, तभी तो फॉलोअर है। तो अगर आप नेता ही अपना एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहा, मान लीजिए मैं तो पैंट कोट पहनूं और आपको कहूँ आप जो है धोती और कुर्ता पहनो,
तो धोती और कुर्ता तो हिंदुस्तान में जो ड्रेस है, नेता ने तो स्टैंडर्ड सेट किया, जो हमारे सबसे बड़े लीडर है प्रधान, जो सेवक कहते हैं अपने को, कभी प्रधान सेवक कहते हैं, कभी चौकीदार कहते हैं, कई नामों से अपने को पकारते हैं वो, उन्होंने तो सेटअप किया है क्या कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बाकायदा की दाढ़ी, आजकल वो दाढ़ी भी बिल्कुल शिवाजी जैसी रख रहे हैं। वो सेट किया है, लेकिन वो जनता की ड्रेस थोड़ी है। फैशन क्या होता है? फैशन जो है दैट फ्लो फ्रॉम द टॉप। फैशन एक क्षण का होता है, और वो क्षण क्या होता है कि आदमी अपने को दिखाना चाहता है कि आपने जो कपड़े पहने मैं उससे अलग हट करूँ, यानी बड़े आदमी नमूने की तरह लगता है, लेकिन चूंकि बड़ी सेलिब्रिटी ने पहना है तो उसे लोग कहते हैं वाह वाह बहुत बढ़िया फैशन है। और जैसे ही वो फैशन चलते चलते डाउनवर्ड आकर आम आदमी में फैल जाता है, तो वो जो सेलिब्रिटी है वो उसे फिर नहीं पहनेगा, फिर वो नए कपड़े पहनेगा। तो साइकिल ऑफ फैशन आप देखेंगे हमेशा। तो जब आप अजूबे कपड़े पहन के अजूबे तरीके से अपने को प्रेजेंट करते हैं, वो फैशन है। और जैसे ही अगर वो जो फैशन 30% लोगों में पहुंच गया, वो जो है फैशन नहीं रहेगा, फिर वो जो है एक आम बोलचाल की भाषा में आम वेशभूषा बन। चलिए, बात तो काफ़ी चली, आखिर में आपसे पूछते कि चीन के साथ हम कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, खासतौर पर इकोनॉमिक, उस पर हम उसको, उसकी इकोनॉमी हमारे, हमने उससे अभी तक सामान लेना तो बंद नहीं हुआ, सामान तो आ ही रहा है, बंदरगाहों से सामान उठ के आने लगा है, क्योंकि इतना अरबों रुपए का सामान पड़ा हुआ था। अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि चीन से व्यापार बंद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ऐप ही बंद हुआ है। और बमुश्किल तमाम मोदी जी ने अपना वो एक अकाउंट था वो डिलीट किया, बहुत सबसे बाद में किया उन्होंने। तो क्या होगी देश की स्थिति, क्या होगी अगर चीन यहाँ से, देश की स्थिति नहीं, देश को दृढ़ निश्चय करना है कि हमें चीन से कोई सामान नहीं लेना, चीन से कोई संबंध नहीं रखना। अब सवाल यह है कि क्या हम जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि हमारी सारी सप्लाई चेन जो है वो चीन से है, चीन से हमारी सारी दवाई वहाँ से हमने दे दी, हमने धीरे धीरे ये हालत पैदा कर दी है कि अपने सारे उद्योग धंधे जो थे बंद कर दिए हमने, जो है अपनी जो डिपेंडेंसी थी, अपनी जो आत्मनिर्भरता थी उसे ख़त्म करके हम चीन पर निर्भर हो गए। आज चीन का हाथ हमें खिला रहा है, हमारे ऑटोमोबाइल्स को खिला रहा है, हमारे फैशन को खिला रहा है, हमारे फार्मास्यूटिकल को खिला रहा है, और चीज़ों को खिला रहा है। तो आज की हालत में हम इस रूप में रहे ही नहीं कि हम ये तय करें कि हम, जो आदमी किसी को खिलाता है वो हाथ महत्वपूर्ण होता है, खाने वाला मुंह तय नहीं कर सकता है मैं इससे खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो जैसे एक कहावत है ना, बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि जो भिकमंगे होते हैं वो नहीं तय कर सकते किससे पैसा लेंगे। तो हम जो है डिपेंडेंट हो गए हैं। और मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे ही मोदी जी को पता चला कि 5 मई को हमारे बॉर्डर पर चीन की सेना आ गई, उन्होंने 17 मई को तुरंत कह दिया राष्ट्रीय संबोधन में कि हमें जो है सेल्फ रिलायंट होना है, लोकल के लिए वोकल और वोकल के लिए लोकल हो जाओ। तो उन्होंने पता था जी, तो लेकिन उन्होंने कभी चीन का नाम नहीं लिया। तो मोदी जी, मेरे लगता है एक शेर उनको बड़ा पसंद है, अकबर इलाहाबादी का है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। तो मोदी जी जो है चीन के कत्ल की चर्चा नहीं करते, तो वो जो है एक तरह से चीन के, मैं कहूँगा कि तो उन्होंने अकबर इलाहाबादी ने आशिक मशूकी पे लिखा था। देखो दर्शन है, तो आपको दर्द कहाँ होता है कि वो दुष्यंत का शेर है कि सीने से सिर, वो सिर से सीने में कभी, पेट से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द किधर होता है। तो दर्द तो जहाँ किसी को भी हो सकता है, आशिक को भी हो सकता है और मरीज को भी हो सकता है। अब आप हमें कैसे सोचेंगे वो अलग बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर भाई आपका कि चीज पे चर्चा हुई, और हालात पे देश के जो मौजूदा हालात है बड़ी अच्छी चर्चा हुई। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।